मैं हूं कविता। सीबीआई में घूस पर मचे घमासान के बीच अब अधिकारियों के ताबड़तोड़ तबादले किए जा रहे हैं। डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद अब निचले स्तर के अधिकारियों को भी इधर उधर किया जा रहा है। इसके दायरे में राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच कर रहे अधिकारी भी आ गए हैं। जांच अधिकारियों के ट्रांसफर कर जांच के लिए अब नई टीम बनाई गई है और अब तक जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनमें आलोक वर्मा डायरेक्टर, छुट्टी पर भेजे गए राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर, छुट्टी पर भेजे गए डीआईजी आशीष कुमार सिन्हा, डीआईजी तरुण गाबा, डीआईजी जसवीर सिंह, डीआईजी आशीष प्रसाद, डीआईजी केआर चौरसिया, एचओबी रामगोपाल का ट्रांसफर किया गया। एसपी सतीश जागर ज्वाइंट डायरेक्टर, मनीष सिन्हा ज्वाइंट डायरेक्टर, एके शर्मा का भी ट्रांसफर किया गया। डीएसपी एके बसी और एएसपी एसएस गुम का भी ट्रांसफर किया गया। इन अधिकारियों में डीएसपी एके बसी और एडिशनल एसपी एसएस गुम राकेश अस्थाना मामले की जांच कर रहे थे। घूस कांड को लेकर हो रही इस कार्रवाई पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जिन संगठनों को कांग्रेस ने भ्रष्ट किया है यह उसका शुद्धिकरण है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम तुम्हारी क्वाश पिटीशन को मान नहीं सकते, इसमें इतने वजनदार मामले हैं, इसका बहस होने पड़ेगी। और दूसरा है कि सीबीआई ने उसकी सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उस सब छीन लिया है, तो अब तो जो भी कोर्ट की फैसला है वो आएगी। लेकिन उनको जैसे मीडिया में कहा जा रहा है कोई रिलीफ मिल गया कि अरेस्ट मत करो, ये कौन सी बड़ी बात है। सवाल है कि उसने क्वाश पिटीशन, कोई सीबीआई की तरफ से अरेस्ट के लिए कोई डिमांड नहीं थी। इन्होंने कहा कि मुझे अप्रिहेंशन है, मुझे संदेह है, तो इसीलिए ठीक चल रहा है। हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ना है, तो जिस संगठनों जो जांच की संगठन है जिसको भ्रष्ट किया कांग्रेस ने उसको हमें शुद्ध करना है और शुद्धिकरण चल रही है। हालांकि सीबीआई में इतने बड़े ट्रांसफर को सीबीआई नेता सीताराम येचुरी ने तख्ता पलट बताते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। ये मोदी सरकार एक किस्म से एक पॉलिटिकल कू कर रही है, यानी तख्ता पलट सीबीआई के ऊपर, ये सीधा सीधा हमला है उनके चुने हुए ऑफिसरों को की सुरक्षा के लिए। इतनी बड़ी बदलाव जो कर दी सीबीआई के अंदर, आप कानून क्या कहेगा, कोर्ट क्या कहेगा वो अलग बात है, लेकिन लग तो ये जरूर रहा कि सीधा सीधा उनके जो चोजन लोग थे जिनको उन्होंने वहां पर नियुक्त किया था एज एडिशनल डायरेक्टर भी बनाने की जो कोशिश की थी, उनको गुजरात ऑफिसर, गुजरात काडर के ऑफिसर को उनकी सुरक्षा के लिए ये काम किया गया, ये स्पष्ट है। अब ये भी पता नहीं और क्या क्या चीज प्रोब हो रहे थे, पता नहीं राफेल के बारे में, राफेल कांड के बारे में अगर ये प्रोबिंग चल रहा था या नहीं, तो ये एक खुद सरकार एक राजनीतिक कू करके तख्ता पलट कर दी सीबीआई में, इसकी घोर खंडन करते हैं हम। समझते हैं कि इस तरीके से हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़ा हुआ है। सीबीआई डायरेक्टर रहे आलोक वर्मा ने स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना पर कुरैशी से 2 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है, तो वहीं राकेश अस्थाना भी आलोक वर्मा समेत कुछ अधिकारियों के खिलाफ घूस लेने का आरोप लगा चुके हैं।